हाय गाइस, लेट्स डू द बेसिक क्लीनअप। हफ्ते में एक बार आप ना ये क्लीनअप कर सकते हो। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ द आयुर्वेदिक कंपनी टैग का क्लेंजिंग मिल्क। क्लेंजिंग मिल्क आपकी स्किन से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, डस्ट है, जो भी गंदगी है उसे निकालता है। अगर आपकी स्किन टैन हुई है उसे रिमूव कर देता है। पोल्यूशन की वजह से अगर आपकी स्किन ख़राब हुई है तो उसे भी ठीक करने में मदद करता है। इसे आपने 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है, उसके बाद आपने कॉटन से रिमूव कर लेना है सारे डस्ट को, या फिर आप फेस वॉश भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेकेंड स्टेप में मैं करने वाली हूँ स्क्रब। स्क्रब आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं कर लेती हूँ। तो आपको थोड़ा सा स्क्रब लेना है, अच्छे से सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करनी है। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं प्रेस करना है आपने, बहुत हल्के हाथों से, जो टिप्स ऑफ द फिंगर्स होते हैं उनसे मसाज करनी है, बहुत ही हल्के हाथों से। इससे आपके स्किन के पोर्स में जो डेड स्किन सेल होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन अंदर से डीप क्लेंज होगी। अच्छे से मसाज करने के बाद आपने फेस को वॉश कर लेना है। आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा खिली खिली नज़र आएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे फेस पैक। मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का फ्रूट ब्राइटनिंग फेस पैक। बहुत ही अच्छा फेस पैक है और बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाएगा। इसकी आपने थिन लेयर अपने फेस पर लगानी है और 2 से 3 मिनट तक छोड़ देनी है। फेस पैक आपकी स्किन को रिज्यूविनेट करता है, रेडियंट बनाने में मदद करता है और स्किन में बहुत अच्छा ग्लो लाता है। आपने इसे 10 से 15 मिनट तक स्किन पर लगाए रखना है। जब ये सूख जाएगा उसके बाद आपने फेस को धो लेना है। फेस पैक धोने के बाद आप थोड़ा सा रोज़ वाटर लगा सकते हैं एंड यू आर डन। वीकली क्लीनअप हो गया एंड लुक एट दिस, बहुत ही अच्छा ग्लो आपको स्किन पे। आप इसे निशुल्क घर पे ये क्लीनअप घर पे कर सकते हो। ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाय कीजिए।